आज लगभग 2500 प्रदेश के युवाओं को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी नव चयनित अभ्यर्थियों का हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूँ और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 278 सहायक आचार्य जो लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हुए हैं, जिनमें गवर्नमेंट जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं और जो हमारे अन्य मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, उन सब में इनकी नियुक्ति होनी है। एज ए लेक्चरर ये लोग वहाँ पे काम करेंगे। इसके साथ ही 2142 स्टाफ नर्स, जिसमें 99 स्टाफ नर्स राजकीय मेडिकल कॉलेजेस के लिए, 1554 स्टाफ नर्स 88 राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए और 489 स्टाफ नर्स आयुर्विज्ञान संस्थान सफाई के लिए नियुक्त हुई हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 48 आयुष चिकित्सा शिक्षक, जिसमें यूनानी के एक प्रधानाचार्य, एक प्रोफेसर, दो रीडर और आयुर्वेद विभाग के एक रीडर तथा होम्योपैथ विभाग के 43 लेक्चरर, इन सबको आज नियुक्ति पत्र, कुल मिलाकर के यह संख्या 2468 यानी लगभग 2500 के आसपास है, इन सबको नियुक्ति पत्र एक साथ वितरित हो रहा है। यहाँ पे जो राज्य मुख्यालय पे आ सकते थे राज्य मुख्यालय में, बाकी शेष अन्य लोगों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में माननीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के इन सभी लगभग 2500 ऊर्जावान चिकित्सकों को, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग स्टाफ को, जो आज राजकीय सेवा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 6.5 वर्ष में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सेवाओं में जितनी प्रगति की है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 774 नई एम्बुलेंस और 81 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस, यानी कार्डियक वैन के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, इन सब का भी आज यहाँ पे कुछ ही देर में फ्लैग ऑफ होगा। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि जीवन में व्यक्ति के पास कितना भी धन संपदा आ जाए, कितना भी उसके पास वैभव आ जाए, लेकिन अगर उसका स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो उसके लिए इन सब का कोई मूल्य नहीं होता। हमारी परंपरा भी इस बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे। उत्तम आरोग्यता को प्राप्त करना, और आज तो ये मैं इसको महत संजोग नहीं मानता हूं, बल्कि ईश्वरीय कृपा से यह एक बहुत अच्छा वो है कि इसमें एलोपैथ के भी हैं तो आयुष से भी जुड़े हुए लोग हैं। एक साथ 2500 ऐसी नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम हो रहा है और यह प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के उत्तरोत्तर वृद्धि और उसके सुदृढ़ीकरण होने की दिशा में एक शुभ संकेत है। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन किया है। याद करिए 2017 के पहले के प्रदेश की स्थिति क्या थी, हर एक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, पहचान का संकट था, विकास की बात तो दूर थी, पहचान का संकट था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो समय पढ़ते रहे होंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर डिग्री लेने के लिए जब गए होंगे
तो अपना नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे। ज़्यादातर लोग अपना नाम दिल्ली या कहीं और राज्य का दिखाते थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि 6-6.5 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है, आज कोई उत्तर प्रदेश का नाम छुपाता नहीं है। जो नहीं भी होगा वो भी बोलता मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के